वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। कोलकाता नाइट राइडर्स का इंजरी से पुराना नाता रहा है, जहां हर साल आईपीएल से पहले इनके की प्लेयर्स इंजर्ड हो जाते हैं और इस साल भी इनके दो प्रमुख प्लेयर शिवम मावी और कमलेश नगरकोटी आईपीएल 2019 से बाहर हो चुके हैं और तभी से कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को कुछ यंग प्लेयर्स की तलाश थी और फाइनली उन्होंने तीन न्यू कमर्स अपनी टीम में ले लिए, यानी कि तीन प्लेयर्स आ चुके हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में। उन तीन प्लेयर्स का नाम बताने से पहले आप सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने रखा है 50 लाइक्स का टारगेट। जो सबसे पहला न्यू कमर है जो कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को ज्वाइन कर चुका है वो है केसी करियप्पा। केसी करियप्पा ने 2015 में केकेआर के लिए डेब्यू किया था, वही उन्होंने किंग्स इलेवन पंजाब के लिए दो सीजन भी खेले थे, लेकिन अब वापस से वो कोलकाता नाइट राइडर्स को ज्वाइन कर चुके हैं। उनको वापस से टीम में लेने का मकसद यही है कि उन्होंने मुश्ताक अली ट्रॉफी में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, जहां उन्होंने 11 मैचेस में 5.2 की इकोनॉमी से 10 विकेट्स लिए थे। जो दूसरा न्यू कमर है जो केकेआर की टीम को जल्द ही ज्वाइन करने वाला है वो मुश्ताक यूसुफ है। मुश्ताक यूसुफ ऑलमोस्ट कन्फर्म नाम है, लेकिन इसके लिए अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है। ये एक 16 साल के प्लेयर हैं और इनको कोलकाता नाइट राइडर्स ने ट्रायल में बुलाया था और प्रिंट मीडिया में जिस हिसाब से न्यूज़ आ रही है उसके हिसाब से उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है और ये भी जल्द ही कोलकाता नाइट राइडर्स को ज्वाइन कर लेंगे। जो तीसरा प्लेयर है जो सबसे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को ज्वाइन कर चुका है वो है संदीप वॉरियर। संदीप वॉरियर भी एक फास्ट बॉलर है और इनको लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट माना जा रहा है शिवम मावी और कमलेश नगरकोटी की। तो ये तो थे वो तीन प्लेयर्स जिनको एज अ रिप्लेसमेंट टीम में लिया जा रहा है और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो रही थी वो यही रही थी कि इन तीनों प्लेयर को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के परफॉर्मेंस के हिसाब से टीम में लिया गया है। अब बहुत से उनके मन में ये डाउट जरूर होगा कि इनके दो प्लेयर्स इंजर्ड हुए हैं और ये तीन प्लेयर्स को कैसे ले सकते हैं। तो कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में पहले से 21 प्लेयर्स थे और आईपीएल के रूल के तहत वो 25 प्लेयर्स को टीम में ले सकते हैं, तो वो तीन प्लेयर्स को फॉर श्योर टीम में ले सकते हैं और ये तीन प्लेयर्स जरूर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की तरफ से आपको खेलते हुए नजर आने वाले इस साल। तो विद दिस सेट गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब ना भूलें। तब तक थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।